प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो आज अपने संपत्ति कार्ड वितरण कर रहे हैं। 6 राज्यों में ये वितरण प्रोग्राम आयोजित किया गया है। सीधा रुख करते हैं कि अपने आवास का मालिकाना हक उन्हें प्राप्त नहीं था। जब पंचायती राज मंत्रालय ने यह योजना आपके समक्ष प्रस्तुत की, आपने इसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और 24 अप्रैल के दिन आपने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। अप्रैल से लेकर आज दिनांक तक पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों के पंचायती राज मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय सभी अधिकारियों ने मिलकर 6 राज्यों में इस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जब हम नानाजी देशमुख और बाबू जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर यहाँ उपस्थित हैं, तो आज इन दोनों नेताओं का जीवन गांव गरीब के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर 6 राज्यों के 763 ग्रामों के लगभग 1.25 लाख से अधिक हितग्राही, जिनके सर्वे का काम पूरा हो गया है और आज प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने का काम आपके कर कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री गणों की उपस्थिति में यहां संपन्न हो रहा है, यह मैं समझता हूं इस कार्यक्रम की निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है। और आपने यह भी लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक 6,62,000 गाँव में निवास करने वाले हर आदमी को प्रॉपर्टी कार्ड मिले। हम सब इस बात को जानते हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड तो मिले, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग क्या हो, उपयोग भी सुनिश्चित हो जाए और उसका भी शुभारंभ हो जाए और हर व्यक्ति ये एहसास करे कि अगर गांव में मेरा मकान है तो यह शहर के किसी मकान से कम कीमत वाला नहीं है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री गणों के प्रयत्न से आज हमारे कुछ हितग्राही हैं जिनको इनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है उस पर बैंक लोन भी देने का काम कर रहा है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे बंधुओं में विश्वास भी जागृत होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी का उपयोग भी होगा और उनके परिवार में जो नई पीढ़ी आ रही है अगर आगे कुछ काम करना चाहती है तो यह प्रॉपर्टी उसके विकास में भी निश्चित रूप से काम आएगी। आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आपने उदारता पूर्वक हमको समय प्रदान किया और आप इस अवसर पर उपस्थित भी हैं। इस अवसर के साक्षी करोड़ों करोड़ लोग बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं। आज हितग्राही भी आपसे संवाद करने के लिए निश्चित रूप से लालायित हैं। मैं सभी उपस्थित लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब स्वामित्व योजना के प्रमुख उद्देश्यों और उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म की प्रस्तुति की जाएगी। स्वामित्व योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को पंचायत राज दिवस के अवसर पर किया गया था। इसके पायलट फेज में हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में लगभग 1 लाख गांवों में आबादी क्षेत्र के निवासियों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिलाने के लिए तो स्वामित्व योजना और इसी के तहत संपत्ति कार्ड आज विभिन्न राज्यों के लोगों को वितरित किए जाएंगे।